गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे रमदान को। एंड दिस वीडियो, लाइक ये वीडियो फिल्म करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है राइट नाउ, जगह ही नहीं बन पा रही है। एनीवेज, हम लोग जो है वो फिर भी इस वीडियो को जो फिल्म कर रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू गाइज द रिव्यू ऑफ अ स्किन केयर प्रोडक्ट। सो एज यू गाइज नो कि अभी मेरा जो है वो सलोन ओपन हो चुका है एंड नाउ आई एम स्टेपिंग इन टू स्किन केयर एज वेल, बिकॉज आपको पता है सलोन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो मैंने कहा यार वाई नॉट आई शुड रिव्यू सम थिंग्स फॉर माई सलोन, सो आप लोगों को भी साथ में जो है वो रिव्यू दिया जाए कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं अच्छी। सो बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एज यूजुअल मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो ऑर्डर की ऑनलाइन एंड दे आर हियर। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्डन पर्ल। अब तक जो था वो मुझे नहीं पता था कि गोल्डन पर्ल वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने जो है वो फॉर्मूला क्रीम बनाई थी, गोल्डन पर्ल क्रीम, और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने भी वो क्रीम ना लगाई हो। मैंने भी शुरू में जो था वो ट्राई किया, मुझे भी किसी ने कहा कि यार तुम्हारा फेस बड़ा डल लग रहा है तो गोल्डन पर्ल लगाया करो, और जब मैंने लगाया लिटरली मेरे यहाँ पे आई फेल्ट लाइक कि मुझे छाइयाँ पड़ रही हैं। उसके बाद से मैंने कभी गोल्डन पर्ल नहीं लगाई, कोई क्रीम नहीं लगाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय स्किन इज लाइक रियली वेरी फाइन। सो अभी मैंने देखा कि यार गोल्डन पर्ल की, आई एक्चुअली वेंट टू माई सलोन जहाँ पर मैं हेयर कट वगैरह करवाता हूँ, तो वहाँ मैंने गोल्डन पर्ल की प्रोडक्ट्स देखी। देन एक और चैनल है आयशा भट्ट का, शी इज़ अ ब्यूटी ब्लॉगर एंड शी इज़ एन अमेजिंग टीचर, तो उन्होंने जो था वो अपने चैनल के ऊपर रिव्यू किया हुआ था गोल्डन पर्ल के इंस्टेंट फेशियल का। सो आई वाज लाइक ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम रनिंग अ सलोन बिजनेस और यहाँ पे हर किस्म का जो है वो क्लाइंट आता है और क्लाइंट्स की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें महंगी से महंगी चीज़ लगाएं एंड वी वांट रिजल्ट्स, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें बजट में रहकर जो है वो अच्छा रिजल्ट दें। तो आई वाज लाइक ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई, तो मैंने जो था वो गोल्डन पर्ल की चीज़ें जो थी वो ऑर्डर की उनकी साइट के ऊपर से एंड दे सेंट मी दिस। दिस इज देयर वैलेंटाइन पैक फेशियल किट गोल्डन पर्ल की स्किन लाइटनिंग सीरीज की एक किट आई है। उसके अलावा आई हैव अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स और इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स कि आई वाज लाइक यार दीज आर रियली वेरी अफोर्डेबल। मेरा टोटल जो बिल बना था इट वाज 1450 या 1470, और उसके अंदर मैंने ढेर सारी जो थी वो प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं। इसका अगर आप लोगों ने व्लॉग देखना है तो मेरे व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी जब ये मुझे मिला था तब मैंने इसका जो था वो डिटेल एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को जो है वो दे दूंगा और साथ में जो है वो आपको कमेंट्स में भी दे दूंगा। सो सबसे पहली जो चीज़ जिसने मुझे फैसिनेट किया इसको मंगवाने के लिए विच वॉज देयर अर्जेंट फेशियल। अब अर्जेंट फेशियल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। दिस इज़ देयर अर्जेंट फेशियल, और अर्जेंट फेशियल मैंने बहुत सालों पहले एक लोकल मार्केट में एक शॉप जहाँ से मैं कॉस्मेटिक लेता हूँ उन्होंने अपना एक फॉर्मुलेशन बनाई हुई थी एंड ही सेड कि यार भाई आप ये ट्राई करें हमारा, एंड आई रियली डिडंट लाइक इट, क्योंकि आपको पता है फेशियल में हम बहुत सारे स्टेप्स करते हैं और फिर जाके हमें एक रिजल्ट मिलता है। बट अर्जेंट फेशियल उस वक्त जो था वो इतना पॉपुलर नहीं था, बट अभी जो है वो जब मैंने वीडियो देखी आयशा भट्ट की तो आई वाज लाइक ओके इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, सो लेट मी ट्राई इट आउट, और मैंने ऑर्डर किया। सो दिस इज देयर अर्जेंट फेशियल विच इज़ द स्किन लाइटनिंग यूनिक फार्मूला वाइटनिंग वन। अच्छा, इसमें जो ये अर्जेंट फेशियल्स हैं वो दो तरह के गोल्डन पर्ल की साइट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। एक ये फ्रूटी वन है विच इज़ द फ्रूटी वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, और दूसरा जो है वो वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल है, एक इस तरह का है और एक इस तरह का है। अभी तक दोनों में से मैंने ये ट्राई किया एंड आई वॉज लाइक ओके द रिजल्ट वर फाइन। अगर आप जैसे स्क्रबिंग करते हो तो स्क्रब के साथ एक एडिड बेनिफिट आपको मिल जाता है, मास्क भी इसमें इंक्लूडेड है, और इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर आप लोग कहीं जल्दी में आपको जाना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा घंटा बैठ के जो है फेशियल लो, डिफरेंट स्टेप्स लो, इतना इतना यू नो पैसा भी बर्बाद करो, तो आप अपने लिए ले सकते हो उसको जो है वो, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, हर 10 से 15 दिन बाद आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। इट इज़ लाइक रियली वेरी सिंपल, आप इसको लगाते हो अपने स्किन के ऊपर, मसाज करते हो, उसके बाद इसको छोड़ देते हो, इसमें आपका क्लिनजर भी हो जाता है, स्क्रब भी हो जाता है, इसमें आपका मास्क भी हो जाता है और वाइटनिंग लाइटनिंग सब कुछ हो जाता है। लेकिन इन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आपको ज़्यादा लाइटनिंग या वाइटनिंग चाहिए तो आप इससे पहले इनकी जो है वो स्किन पॉलिश भी कर सकते हो, उसके बाद आप इसको जो यूज़ करो। मतलब टोटल टाइम आपको अगर स्किन पॉलिश के साथ आप करते हो तो 20 to 25 minutes लगेंगे, और अगर आप वैसे इसको ट्राई करते हो तो विद इन 7 to 8 minutes या 10 minutes आपको जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। नाउ द रिजल्ट्स आर ओके, नॉट के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट फाइन, दे आर फाइन। इसको जो है वो अभी तक मैंने ओन इट्स ओन ट्राई किया है, इसकी स्किन पॉलिश के साथ ट्राई नहीं किया, तो रिजल्ट्स वर ओके। आई थिंक स्किन पॉलिश के साथ ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है स्किन पॉलिश जब आप करते हो उसमें ब्लीच होता है तो उससे आपको काफ़ी
फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर आप इसको जो है वो सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने अपने डिफरेंट मेथड्स के साथ इसको जो है यूज़ किया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि इसको अगर आप ब्लीच पाउडर के साथ लगा के यूज़ करो तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वाइटनिंग रिजल्ट आता है, आपको अलग से ब्लीच नहीं करनी पड़ती। तो मतलब डिफरेंट मेथड है, हर कोई अपने तरीके से यूज़ कर रहा है, बट मैंने जो है वो सिंपल इसको जो था वो ऑन इट्स ओन यूज़ किया एंड इट वॉज ओके। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आई थिंक 300 या 400 की रेंज में था, इट इज़ गुड। सो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी देयर स्किन पॉलिशिंग किट, और ये साशे किट है उनकी, ये भी काफ़ी सस्ती थी, आई थिंक 300 या आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्राइसेस, तो आप इनकी साइट के ऊपर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा साइट का। तो वहाँ पे जो था ये मुझे मिला, और इसके अंदर बड़ी मज़े की चीज़ें, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होंगी। सो व्हेन आई ओपन्ड इट अप तो इसके अंदर काफ़ी सारे साशेज आपको जो है वो मिलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो स्पंज है ना, जो मेकअप का पुराना एक स्पंज होता था फाउंडेशन वाला, वो पता नहीं उन्होंने क्यों दिया, आई डोंट नो। उसके अलावा वी हैव देयर मॉइस्चराइजिंग मास्क जो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, देन वी हैव स्किन शाइनर, तमाम जो चीज़ें होती हैं ना स्किन पॉलिश की वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। वी हैव सूदिंग लोशन, वी हैव ब्लीचिंग पाउडर, ये उनका ब्लीच पाउडर है, एंड वी हैव देयर क्रीम डिवेलपर 20 वॉल्यूम जो है वो है यहाँ पे, एंड देन वी हैव द फेशियल क्लिनजर। मतलब हर स्टेप इन्होंने जो है स्किन पॉलिश का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कंप्लीट, ये नहीं कि खाली ब्लीच दे दी आपको और आपको कहा कि आप बाकी चीज़ें खुद खरीद लें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और आई थिंक जितनी ये चीज़ें यहाँ पे हैं, इससे मेरे ख्याल में आपकी 2 से 3 दफ़ा स्किन पॉलिश आराम से हो सकती है। देन जो आयशा भट्ट ने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया था इनका जो फेशियल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बेसिकली लेना था इनका मास्क, क्योंकि उन्होंने कहा था मास्क अच्छा है, तो मैंने कहा चलो मास्क भी वहाँ पे अवेलेबल वो लेता हूँ। लेकिन उसके साथ इन्होंने मुझे जो है वो अर्जेंट फेशियल का एक ये साशे वाला जो है ये भी भेज दिया है, जो कि मतलब सेम यही पैकिंग जो थी वो आयशा भट्ट ने अपने चैनल पर दिखाई थी। आई सेड ओके लेट्स ट्राई दिस वन आउट। तो ये है इनका जनाब मास्क, जो कि आपको डर्माकॉस में मिलता है, आपको जेंसन में भी मिलता है, जो आपका बोटैनिकल मास्क होता है, जिसको आप पाउडर को मिक्स करते हैं पानी के साथ और मोटा मोटा अपने फेस पे, इवन आईज पे, नोज पे, लिप्स पे, हर जगह लगा लेते हो और फिर वो आराम से उतर जाता है। तो ये वो वाला मास्क है, उसके साथ जो है वो ये साशे है। अब बकौल आयशा भट्ट के मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो साशे है इससे आप तकरीबन 10 दफ़ा फेशियल कर सकते हो, इसमें इतना प्रोडक्ट है। आप इसको जब पानी के साथ मिक्स करके स्किन पे अप्लाई करते हो तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी जो है बन जाती है, जो कि मैंने फील किया है इनकी ट्यूब के साथ भी, बिकॉज मैंने ट्यूब अप्लाई की थी, ये नहीं अप्लाई किया, ये सेम चीज़ है, ठीक है। सो आई वॉज लाइक रियली वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स। और द नेक्स्ट थिंग इज देयर ग्लूटाथायोन सीरम, और आपको अगर नहीं पता तो ग्लूटाथायोन जो है वो एक केमिकल है, जो कि इंजेक्शंस में भी आता है, जो कि टैबलेट्स में भी आता है, कैप्सूल्स में भी आता है, और लोग इसको जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शंस कह के जो है लगवाते हैं। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ग्लूटाथायोन होता है, और ये इसका सीरम है। तो मैंने ये मंगवाया, इसको मैं 2-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई वाइटनिंग इफेक्ट तो नहीं लगा, बट स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, बहुत प्लम स्किन जो है वो लगती है। सो इस वजह से आई रियली लाइक इट। ये सबसे बड़ा आई थिंक इनका साइज़ था, अंदर से जो है वो इस किस्म की जो है वो इसकी पैकेजिंग है, और ये 20 ml है जो सबसे बड़ा इनका साइज़ है। तो दिस इज़ द वन जो आई एम यूजिंग एंड आई लाइक इट एज अ मॉइस्चराइजिंग सीरम, लेकिन लाइटनिंग का मुझे इतना को खास इफेक्ट नहीं लगा। नाउ कम्स द स्टार ऑफ द शो विच इज़ देयर फेशियल किट। अच्छा, इनकी फेशियल की जो चीज़ें थी वो मैंने देखी सलोन में पड़ी हुई, तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी ट्राई इट आउट। सो दिस किट वॉज इन आई थिंक 400 to 600 की रेंज में थी, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसेज, लेकिन दिस इज़ द किट विच आई हैव यूज्ड एंड मैंने अपनी मदर का भी फेशियल किया एंड आई वॉज लविंग इट। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे और आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये चीज़ें जो है वो ले सकते हो। अच्छा, अब जब आप इस किट को खोलते हो तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड आई रियली रियली लव देयर स्टेप्स। इनमें से जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी बताता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने लेनी हो इनकी बड़ी पैकिंग में तो आप क्या लें और क्या ना लें। सो वी हैव दीज प्रोडक्ट्स हेयर, और यहाँ पे जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स, अभी लाइट्स बहुत ज़्यादा थोड़ा नज़र नहीं आएगा क्योंकि लाइट पैकेजिंग है। तो वी हैव द क्लिनजर, वी हैव द स्क्रब, वी हैव द मसाज क्रीम, वी हैव द क्ले मास्क, वी हैव द ग्लो क्रीम, वी हैव अ टोनर, वी हैव स्किन पॉलिशिंग पैक, और साथ में जो है वो एक अदर सीरम। ये वही सारी स्किन पॉलिश की सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी अलग से पैक में दिखा दिया, सेम इसमें भी वही सारे स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें जो है वो मास्क और क्लिनजर नहीं है, बाकी सारे साशेज वही हैं जो स्किन पॉलिश के यूज़ होते हैं, सूदिंग लोशन और शाइनर और डिवेलपर एंड ब्लीच पाउडर। तो इसमें से मैं बताता हूँ जो मुझे चीज़ अच्छी लगी। क्लिनजर इज़ लाइक फेस वॉश, इट्स नॉट कि बहुत ही क्रीमी मिल्क जैसे हम लोग क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं, वैसा नहीं है, इट्स लाइक अ फेस वॉश। स्क्रब वॉज ओके, स्क्रब मुझे इतना को खास मज़े का नहीं लगा, बिकॉज स्क्रब जो है वो एप्रिकॉट स्क्रब की तरह है और उसके अंदर मोटे दाने हैं, तो आई लाइक द फाइन ग्रेन्यूल्स,
तो उस हिसाब से मुझे स्क्रब को इतना खास नहीं लगा. मसाज क्रीम वॉज रियली वेरी गुड, इट वॉज ग्लोइंग, लाइक आपको ग्लो मिलता है, आपको अच्छे से आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज होती है, हाइड्रेट होती है. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देयर मसाज क्रीम. देन वी हैव द क्ले मास्क विच इज़ ओके, फाइन है, अच्छा है. देन वी हैव देयर ग्लो बूस्टर क्रीम विच आई रियली इंजॉय. अगर आप ऑन इट्स ओन भी लगाओ तो भी बहुत अच्छा आपको जो है वो इफेक्ट मिलता है. एंड आप इसको जो है वो लगाते हो, स्टेप्स सारे जो है वो लिखे हैं इसके पैक पे, तो आप इसको जो है वो एंड पे लगाते हो सीरम लगाने के बाद. सीरम इज़ लाइक रियली वेरी गुड. इनका जो ये इसमें साथ दिया है, दिस इज़ देयर गोल्डन पर्ल ग्लो बूस्टिंग सीरम, तो काफ़ी अच्छा जो है वो सीरम का रिजल्ट मुझे लगा. और साथ में जो है वो इनका ग्लो बूस्टिंग टोनर है जो कि इस तरह की बॉटल में. अच्छा, ये जो पैक है आपके पास ये 600 में है, तो अगर आप इसको लेते हो तो आई थिंक आपके 5 to 6 या कंजूसी से यूज़ करें तो शायद उससे भी ज़्यादा आपके जो है वो फेशियल्स इससे हो सकते हैं. अच्छा, मैंने जब इसको यूज़ किया था तो मैंने ब्लीच इसकी यूज़ नहीं की, ब्लीच अभी तक मैंने इसकी स्किन पॉलिश नहीं यूज़ की है, मैंने ब्लीच अपनी यूज़ की जो मैं अपने सलोन में यूज़ करता हूँ, तो वही वाली मैंने यूज़ की, लेकिन रिजल्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे. सो इस वजह से मैं इनका अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँगा तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देयर फेशियल. आप इनका फेशियल जो है वो ले सकते हैं. अगर आपके सलोन में कुछ उस किस्म के क्लाइंट्स आते हैं जो इतना पे नहीं करते आपको फेशियल का, सो यू कैन यू नो हैव दिस वन. आप इसको जो है वो सस्ते में रख सकते हैं. और अगर और कम आपको पे करने का लोग कहते हैं कि यार नहीं इसे भी सस्ता कुछ करें, देन गो फॉर देयर अर्जेंट फेशियल. साथ में अगर आप स्किन पॉलिश करते हैं तो उनको वाइटनिंग रिजल्ट भी आएगा और एंड पे जो है वो आप उसको अर्जेंट फेशियल देके जल्दी से फारिग भी कर सकते हैं. सो दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम गोल्डन पर्ल. एंड इसकी जो स्किन पॉलिश है उसका रिव्यू मैं जब करूँगा तो फिर अलग से जो है वो वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी तक जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इनका जो है फेशियल ले सकते हो, दैट्स रियली वेरी गुड. और आप इनकी जो है वो अर्जेंट फेशियल भी ले सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, कि घर में करने के लिए अगर आपको जो है वो कोई फेशियल चाहिए, यू वॉन्ट कि आपको रिजल्ट अच्छा ज़रा मिल जाए, स्किन जो है वो थोड़ी सी नीट हो जाए, थोड़ी स्मूथ हो जाए, तो आप उसको जो है वो ले सकते हो. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड इट. इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मेरा व्लॉगिंग चैनल जो है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक दे दूंगा. एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.